प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे शहर रुद्रपुर में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में आज यहां पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसको देखने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग आज यहां पर आए हुए हैं। अभी मैं हूं यहां के इंदिरा चौक पे और ये इंदिरा चौक में आप लोग देख रहे होंगे कि काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये शोभा यात्रा यहाँ के 5 मंदिर से निकलती है और पूरे शहर में भ्रमण करते हुए 5 मंदिर तक पहुंचती है, जिसमें कई प्रकार की झांकियां देखने को मिलती है और उन झांकियों को देखने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आज यहां पर आए हुए हैं। पंच प्यारों की टोली बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत दिखती है। अभी हमारे सामने से पंच प्यारे निकल चुके हैं और इसके ठीक पीछे से शोभा यात्रा निकल रही है। इस समय हमारे शहर के विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता आ चुके हैं और यह है इंदिरा चौक और यहाँ पर यह शोभा यात्रा आगे की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रही है और इस शोभा यात्रा को देखने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए हुए हैं। जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे और ये शोभा यात्रा जिन जिन रास्तों से होकर गुजरती है उन उन रास्तों पर इसी तरीके से पूरे नगरवासी खड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो झांकियाँ निकलती हैं बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत निकलती हैं। और ये गगन बैंड की तरफ से सुंदर लाइटिंग प्रस्तुत किया गया है। ये गगन बैंड की तरफ से लाइटिंग की काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। ये है इंडियन आर्मी वाली झांकी, ये देखिए मेरा भारत माता और यहाँ पर बहुत ही बड़ा तिरंगा, ये हमारी तिरंगे वाली झांकी। इसका स्टेटर लगा दे मजा आ जाएगा। बहुत ही बड़ा तिरंगा है ये। ये झांकी आई थिंक इस शोभा यात्रा की सबसे लंबी झांकी होगी। ये देखिए अभी तक ये चलती जा रही है और ये चक्र हमारे पास आ गया, मीन्स आधा तिरंगा आगे की तरफ गुजर चुका है ये और अभी आधा तिरंगा इस साइड में है। झांकी इस शोभा यात्रा की सबसे लंबी झांकी होने वाली है, अभी तक की सबसे लंबी झांकी यही है। बाकी आगे देखते हैं, शायद इससे कोई लंबी झांकी हमें देखने को मिल जाए। बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत लग रही है, हालांकि कैमरा में उतनी अच्छी तरीके से कैप्चर नहीं हो पा रही है।
झांकियां देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। झांकी देख ली है और झांकियों का काम यहाँ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और इस समय हमारे सामने भगवान शिव और माता सती की झांकी जाते हुए, माता सती के पार्थिव शरीर को भगवान शिव ले जाते हुए, ये देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारी झांकी है, बहुत ही प्यारी। और यहाँ पर यज्ञ वाली झांकी हमारे सामने से गुजरते हुए, ये देखिए यज्ञ वाली झांकी हमारे सामने जिसमें यज्ञ आयोजित किया जा रहा है। करते हुए यहाँ पर माता सीता की प्रतिमा बनाकर प्रभु श्री राम अश्वमेध यज्ञ करते हुए, और ये उनके दो सुपुत्र लव और कुश। यहाँ पर ये खड़ श्याम जी की झांकी करते हुए बाबा खड़ू के दीवाने, ये खड़ू श्याम जी का झांकी हमारे सामने से गुजरते हुए। यहाँ पर एक और झांकी हमारे सामने से गुजरते हुए, ये देखिए सुंदर प्रस्तुति झांकियों की। और यहाँ पर ये भगवान शिव का शिवलिंग, जय नंदी, जय नंदी महाराज की। और ये है कांवरी, ये कांवर यात्रा वाली पहली झांकी है। मैं ऑलरेडी हर साल कांवर लेने जाता हूँ और कांवर वाली झांकी देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने आज तक कांवर वाली झांकी पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन यहाँ पर देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं खुद भी कांवर लाता हूँ और कांवर वाली झांकी देख बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पर ये प्रसाद वितरित किया जा रहा है, ये प्रसाद वितरित किया जा रहा है।
बड़ी गाड़ी अभी हमारे सामने से आगे से गुजर चुकी है और एक और राधा कृष्ण की झांकी हमारे सामने आ रही है। झांकियों को देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये झांकी रोज ही निकले और रोज ही हम उनको देखने के लिए और इस समय हमारे सामने राधा कृष्ण की झांकी आ गई है। तो अभी मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।